हेलो दोस्तों, राज इंडक्शन में आपका स्वागत है और हमारे जितने सारे भाई वीडियो देखते हैं उनको हमारे तरफ से नमस्कार है। तो आज की वीडियो में एक फिलिप्स कंपनी के इंडक्शन जो रिपेयर करने जा रहा हूँ, एक्चुअली उसमें प्रॉब्लम क्या है कि डेड है इंडक्शन। डेड करना मतलब पावर सप्लाई यानी SMPS की प्रॉब्लम है। SMPS की आपको बता देता हूँ कि SMPS से 2 सप्लाई निकलती है, एक 18 वोल्ट निकलती है, एक 9 वोल्ट निकलती है। तो उसकी डिटेल्स में जानकारी आपको देता हूँ और ये फिलिप्स का मॉडल की PCB का जो डायग्राम भी है मेरे पास उसका जानकारी देता हूँ। और दोस्तों मैं बता देता हूँ कि जो हमारा ऑनलाइन कोर्स इंडक्शन रिपेयरिंग का जो स्टार्ट होने वाला था 10 फरवरी से शुरू हो गया है। तो अगर आपको जिन जिन को ऑनलाइन कोर्स करना है तो व्हाट्सअप नंबर है आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर में, उसमें आप हाई लिख के भेजिए और आपका नाम लिख के भेजिए कि मेरे को ऑनलाइन कोर्स करना है। और आपको थोड़ी सी डिटेल्स में जानकारी देना चाहता हूँ कि मेरा क्या है, गूगल प्ले स्टोर से एक ऐप आएगा, ऐप का नाम क्या रहेगा, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ऐप का नाम क्या रहेगा, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। जो वहाँ पे गूगल प्ले स्टोर से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोड करने के बाद में क्या होगा कि आप उसमें उसका फ़ीस, इंडक्शन रिपेयरिंग का फ़ीस मेरा 1500 रुपया है, उसमें आपको या मेरे अकाउंट में डलवा सकते हो या आप तो पेटीएम कर सकते हो, आपको नहीं तो बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप पूरी डिटेल में जानकारी चाहते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप में हाई लिख के भेजिए, मैं एक वीडियो का लिंक दूंगा आपको, उसको वीडियो को देखिए, अगर नहीं समझ में आता है तो मेरे को कॉल कीजिए। चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, एक इंडक्शन को रिपेयर कैसे करेंगे, डेड इंडक्शन को, और कहाँ से शुरुआत करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए मेरे वीडियो में, देखते रहिए, राइट। चलिए दोस्तों, ये फिलिप्स कंपनी के इंडक्शन हो गया, एक कहीं पे रिपेयर करने के लिए दिए थे, जो रिपेयर उनसे नहीं हो पाया तो मेरे पास आया, मैं इनके इस PCB को रिपेयर जरूर करूंगा। तो ये फिलिप्स कंपनी का, इसमें फिलिप्स में 2 मॉडल आते हैं। तो ये मॉडल मैं आपको बता रहा हूँ, मॉडल नंबर कहाँ लिखा रहता है, देखिए इसमें क्या है, पीछे में फिलिप्स लिखा रहेगा और मॉडल HD 4929 क्या मॉडल है, HD 4929 मॉडल है। अगर जब भी मैं आपसे पूछता हूँ कि फिलिप्स कंपनी का कितना मॉडल है तो आपको बोलना है कि कौन सा मॉडल है, तो आपको बोलना है क्या, मेरा मॉडल नंबर है 4929, बस इतना बोलना है। कौन सा मॉडल आप बताओगे, 4929, राइट। तो चलिए दोस्तों, PCB की तरफ देखते हैं और आपको बता रहा हूँ कि इसमें पावर सप्लाई की प्रॉब्लम को कैसे रिपेयर करेंगे और कैसे इसका सोल्यूशन है, राइट। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए। तो दोस्तों, ये है फिलिप्स कंपनी का PCB और ये इसका डिस्प्ले कंट्रोल पैनल है। तो एक्चुअली इसमें क्या है, देखिए आपको दिख रहा होगा मेरे कैमरे में, यहाँ पे एक 22 ओम का रेजिस्टेंस लगी है, ये रेजिस्टेंस क्या है, ओपन हो गया, और यहाँ पे IC क्या है, वीक हो गया, वीक यानी फट गया। आपको कैमरे में कोशिश कर रहा हूँ दिखाने का, ये देखिए क्या है, जो वाइपर वाला IC लगी रहती है SMPS में, जो MOSFET IC बोलते हैं, IC क्या है, वीक हो गई यानी फट गई है हाई वोल्टेज की वजह से। तो इसमें क्या होता है कि इसको रिपेयर कैसे करेंगे, बहुत सारे मेरे पास कॉल आता है कि सर इसको रिपेयर कैसे करेंगे, तो वीडियो को देखिए और जहां भी आपको समझ में नहीं आता है मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं, राइट। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इसमें इसको चेक कैसे करेंगे, हम जैसे इसमें सप्लाई देंगे उसके बाद पावर सप्लाई को बनाने का कोशिश करेंगे। तो उससे पहले क्या एक पॉइंट, इसका मेन कंट्रोल पैनल इसको भी चेक करेंगे और जिसमें इसके PCB में माइक्रो कंट्रोल जिस IC को बोलते हैं उस IC को भी चेक करेंगे। क्या होता है कि हम SMPS को बना देते हैं, बनाने के बाद क्या होता है कि जैसे मेरा सप्लाई आउटपुट बनने लगा, आउटपुट सप्लाई कहने मतलब 5 वोल्ट निकलने लगा SMPS से, तो क्या होता है कि 5 वोल्ट ड्रॉप करते हैं तो IC शॉर्ट हो जाती है। IC शॉर्ट होती है तो हमको क्या होता है कि बहुत सारे जैसे 15-20 मिनट 30 मिनट 1 घंटा 2 घंटा हमारा समय जो होता है वो लॉस हो जाता है। तो उससे पहले कंफर्म कैसे करेंगे कि मेरा ये IC सही है कि नहीं है, सबसे पहले इस पॉइंट को चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, उसका क्या होगा कि 5 वोल्ट कोई सा भी माइक्रो कंट्रोलर IC को अगर ऑन करना है, स्टैंड बाई करना है, तो 5 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है, 5 वोल्ट निगेटिव और 5 वोल्ट पॉजिटिव यानी प्लस और माइनस। तो कोई सा भी 1 एम्पियर से कम कोई सा भी आपका एडाप्टर होगा तो आप उससे यूज कर सकते हो, अगर नहीं होगा तो मैं अपने ऑनलाइन में बताया कि 5 वोल्ट का एडाप्टर कैसे बनाए मात्र 15 रुपये में। 15 रुपये में हर जगह अवेलेबल उसका कंपोनेंट मिल जाएगा, उससे आप बना सकते हो कि उसको चेक कैसे करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको बता रहा हूँ मेरे पास एक 5 वोल्ट का एडाप्टर है, वो 1 एम्पियर से कम है, तो इसको मैं चेक कैसे करूँगा। सबसे पहले क्या होता है, मेरे पास ये 2 वायर है, एक है रेड वाला जो पॉजिटिव है और ब्लैक वाला क्या है, निगेटिव है। ये 5 वोल्ट का एडाप्टर है, तो ब्लैक वाला निगेटिव कहाँ पर लगाएंगे और पॉजिटिव वायर कहाँ पर लगाएंगे। आप इंडक्शन के PCB में आप ध्यान दिए होंगे, एक LM7805 IC लगी रहती है जिसको बोलते हैं रेगुलेटर IC। उसका एक्चुअली जो रहता है काम क्या रहता है, रेगुलेट यानी सप्लाई को क्या होता है, जैसे वहाँ पे इन करेगा 9 वोल्ट, तो आउट कितना करेगा 5 वोल्ट। तो उसको हम वहाँ पे जहाँ पे 5 वोल्ट आउटपुट देते हैं यानी 5 वोल्ट आउट करते हैं, वहाँ पे क्या करेंगे, पॉजिटिव वायर को वहाँ पे लगाएंगे और निगेटिव माइनस PCB में कहीं भी दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं आपको बता रहा हूँ
यहाँ पे मेरा लगा है, ये देखिए कि क्या लगा है, LM7805 IC लगा है, यानी 7805, ये रेगुलेट IC जिसको बोलते हैं, ये आउट 5 वोल्ट आउटपुट करेगा। तो मैं इसमें क्या करूँगा, 5 वोल्ट जहाँ पे आउट करेगा वहाँ पे 5 वोल्ट दे दूँगा, और निगेटिव मैं क्या करूँगा, कहीं से भी दे सकता हूँ, IGBT के मीटर से भी दे सकता हूँ, या कहीं से भी इसको निगेटिव देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर IGBT को मीटर में दे दिया, ये देखिए यहाँ पर अब क्या करूँगा मैं, 5 वोल्ट मेरे को देना है। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 7805 की आपको मैं बताया हूँ, ये देखिए यहाँ पे लगा है 7805 IC, यहाँ पे दे दूँगा 5 वोल्ट प्लस पॉजिटिव वायर। अब मैं यहाँ तक देने के बाद में सबसे पहले क्या होता है कि हम इसको लगाएंगे सप्लाई में, सप्लाई देने के बाद में आपके PCB से कोई आवाज़ कोई डिस्प्ले नहीं आएगी। और आवाज़ क्यों नहीं आएगी आपको बताता हूँ, क्योंकि क्या होता है, जो AIC देख रहे हो AIC में और डिस्प्ले कंट्रोल पैनल IC जो देख रहे हो, इसकी आधी प्रोग्रामिंग इसमें रहती है और आधी प्रोग्रामिंग इसमें रहती है। यानी जब तक मैं डिस्प्ले वायर अब इस जेक में नहीं लगाऊंगा तब तक नहीं मेरा डिस्प्ले आएगा, नहीं बजर का आवाज़ आएगा। बाकी सब इंडक्शन में क्या होता है कि डिस्प्ले आ जाता है, डिस्प्ले नहीं आता है, बजर का आवाज़ आ जाता है, लेकिन इसमें क्या होगा, बजर का आवाज़ आपका नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं डिस्प्ले को लगाऊंगा, देखिए जेक में, ये देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं जैसे लगाया आपको यहाँ पे देखिए डिस्प्ले आ गया, और यहाँ पे ऑन किया, ऑन करने के बाद में मेनू को दबाया, आपको दिख रहा होगा ये क्या होगा कि कैमरे में थोड़ा सा आपका जो बल्ब होगा, मेरा LED बल्ब वीक कर रहा होगा कि कैमरे की वजह से है, बाकी अगर आप चेक करोगे तो आपको एकदम क्लियरिटी आएगा, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है, E5 ईरर जो है वो लो वोल्टेज का है, तो ऐसा आपको कंफर्म हो गया कि मेरा डिस्प्ले भी सही है और माइक्रो कंट्रोल IC भी सही है, राइट। तो अब उसके बाद क्या करूँगा, SMPS को बनाने की कोशिश करूँगा, तो उसमें कैसे बनाएंगे, राइट। तो चलिए दोस्तों ध्यान देते हैं अपने PCB के तरफ, तो PCB हो गया। अब क्या करते हैं, सबसे पहले जो हम सप्लाई देंगे, सप्लाई देने के बाद में यहाँ पे आपको 3 डायोड दिख रहा है, राइट। मैं आपको थ्योरिकल भी बताऊंगा, कहने का मतलब आपको डायग्राम में भी बताऊंगा। ये 3 डायोड देख रहे हो, 4007, एक डायोड क्या लगा रहता है, L से यानी न्यूट्रल से लगा रहता है, एक फेस लाइन से लगा रहता है। 2 डायोड हो गया, 1 डायोड फिर लग के ये जो 450 फिल्टर है वहाँ पे सप्लाई आती है, 300 वोल्ट जाएगी। IC कहने का मतलब MOSFET IC, जिसको स्विचिंग IC भी बोलते हैं, इस IC में जाएगी। तो चलिए दोस्तों मैं सबसे पहले डायग्राम में आपको बता रहा हूँ, राइट। तो चलिए दोस्तों एक डायग्राम आपको समझाता हूँ मैं इस PCB का। हमारे न्यूट्रल लाइन और फेस लाइन से, यहाँ पे न्यूट्रल लाइन से फेस लाइन से एक एक डायोड लगा रहता है, 4007 डायोड जिसको बोलते हैं, एक डायोड न्यूट्रल से लगा रहता है, एक डायोड फेस से लगा रहता है। फिर ये दोनों डायोड आगे जाके शॉर्ट होते हैं, यानी कि समझिए मेरे हिसाब से यहाँ पे AC सप्लाई देंगे फेस और न्यूट्रल, तो डायोड लगाने के बाद में यहाँ पे 230 वोल्ट DC सप्लाई निकलेगा। फिर एक डायोड PO DC करने के लिए डायोड लगा रहता है। फिर ये डायोड लगने के बाद में एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, 22 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 22 ओम का रेजिस्टेंस लग के सीधे कहाँ पे आएगा, कैपेसिटर में आएगा। कैपेसिटर 450 वोल्ट का लगी रहती है, 4.7 इको फैराड, 400 वोल्ट या 450 वोल्ट का। इतना तक सप्लाई आने के बाद में एक मेरा जो हो गया प्लस है, ये मेरा क्या हो गया निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो जो यहाँ एरर का आपका सिम्बॉल दिख रहा है, समझ लीजिए अर्थिंग का, ये मेरा निगेटिव है। अब यहाँ से सीधे प्लस कहाँ जाता है आपको ध्यान देना है, प्लस सीधे जाएगा IC 7865। ये क्या होता है, ड्रेन सप्लाई होती है। ड्रेन कहने का मतलब जो MOSFET रहती है, MOSFET में आपका गेट ड्रेन रहती है, सोर्स रहती है, उसी का एक रूफ है MOSFET IC, ये स्विचिंग का काम करता है। तो हमारे जो ये जाएगा सीधे 7865 में जाएगा, यहाँ पे आपको 300 वोल्ट मिलेगा। अभी क्या होता है, बहुत कुछ चेक करते हैं, मल्टीमीटर का आपको चेक करने का तरीका बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे आप निगेटिव रखोगे और यहाँ पे पॉजिटिव रखोगे, यहाँ पे आपको सप्लाई 300 वोल्ट मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, मेरा IC पे आ रहा है सप्लाई, ये फिलिप्स की PCB की साइड सर्किट डायग्राम है। अब हमारा 1 और 2 सोर्स का मतलब सोर्स रहता है, 1 और 2 नंबर, पहला नंबर IC का, दूसरा नंबर IC सोर्स रहता है, और तीसरा और चौथा नंबर रहता है फीडबैक के लिए, और चौथा नंबर रहता है FFD के लिए, राइट। तो इसमें क्या होता है कि चौथा नंबर से यानी 4 नंबर पिन से मेरा सप्लाई 18 वोल्ट आउटपुट होता है, राइट। यहाँ पे कैपेसिटर लगाते हैं, एक आपका सोर्स से लगाते हैं और एक सप्लाई प्लस जो लगाते हैं वो आपका VDD सप्लाई से लगाते हैं, यानी 4 नंबर पिन से लगाते हैं। ये 4.750 वोल्ट, एक कैपेसिटर का महत्वपूर्ण काम है, आपको समझना है। ये जो कैपेसिटर है, अगर आपका कैपेसिटर ओपन हो जाए, चाहे आप वहाँ से निकाल दोगे, तो आपका AIC स्विचिंग नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब आपका स्विचिंग नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर दिख रहा है, प्राइमरी सिरा है और ये सेकेंडरी सिरा है। तो ये प्राइमरी सिरा है, एक सेकेंडरी सिरा है, ट्रांसफार्मर से आउटपुट वोल्टेज नहीं निकलेगा। तो इसमें एक्चुअली काम क्या होता है कि जैसे ये 4.7 ये भी स्विचिंग का काम करता है, जैसे 50 वोल्ट का है, और यहाँ पे एक डायोड लगा रहता है, यहाँ पे डायोड लगा रहता है फीडबैक से लेके आपका
यानी 3 नंबर पिन से 4 नंबर पिन पे एक 18 वोल्ट का डायोड लगा है जो एकदम ब्लैक कलर का होता है, यानी छोटा सा होता है। फिलिप्स कंपनी में एक डायोड लगा रहता है जो आप देख नहीं पाते हो। वो क्या होता है कि अगर आईसी शॉर्ट होती है तो डायोड शॉर्ट हो जाता है। बहुत कोई क्या करता है, आईसी लगा देता है लेकिन डायोड को चेक नहीं कर पाता है। तो जो यानी 4 नंबर पिन में प्लस रहता है और 3 नंबर पिन में माइनस रहता है, राइट। और यहाँ पे एक लगा रहता है 104 का PF फीडबैक के लिए। तो यहाँ से जैसे क्या होगा, 4 नंबर पिन से सीधे आपका एक डायोड लगेगा। क्या डायोड लगेगा यहाँ पे, एक 18 वोल्ट का डायोड लगेगा जो यहाँ से सप्लाई जाके सीधे ट्रांसफार्मर में जाएगा और ट्रांसफार्मर से सीधे निकल के कहाँ पे जाते हैं आपको देखना है, फैन। हर इंडक्शन के पीसी में एक फैन लगी रहती है, फैन लगा रहता है, वहाँ पे 18 वोल्ट सप्लाई जाएगा, राइट। यहाँ पे फैन पे 18 वोल्ट सप्लाई आ गया। अब ये मेरा निगेटिव सिरा हो गया ट्रांसफार्मर का, ये 18 वोल्ट हो गया। अब दूसरा सिरा, ये मेरा आप देखिए, ये प्राइमरी हो गया और ये सेकेंडरी हो गया। तो इसमें क्या होता है कि फिलिप्स कंपनी में, हेवल्स कंपनी में, बजाज कंपनी में, यानी चार पिन का कहना है, मतलब 4 पॉइंट का एक ट्रांसफार्मर लगा रहता है, बाकी में 5 पॉइंट का ट्रांसफार्मर लगा रहता है। इसको थोड़ा समझना कठिन है और उसको समझना आसान है। तो इसमें क्या होता है कि मैं आपको बेसिक तरीके से आपको अपने ऑनलाइन में समझाऊं कि इसका वर्किंग क्या रहता है ट्रांसफार्मर का। कहने का मतलब आपको देख रहे हो, यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर लगी रहती है 4 पॉइंट की लगी रहती है। ये मेरा आईसी हो गया और यहाँ पे एक 50 वोल्ट का जो कैपेसिटर बताया, 50 वोल्ट का कैपेसिटर हो गया। और आपको बता देता हूँ, जो ये वाला डायोड दिख रहे हो यहाँ पे, ये डायोड क्या होता है 18 वोल्ट के लिए लगा रहता है। अगर ये डायोड क्या होता है वो शॉर्ट हो जाती है तो आपका 18 वोल्ट नहीं निकलेगा आउटपुट। तो यहाँ से ये डायोड लग गया, डायोड लगने के बाद में सप्लाई देखो, ट्रांसफार्मर के एक सिरे से 18 वोल्ट जाएगा और ये एक सिरा स्विचिंग के लिए लगा रहता है, कार्नर। आपको ये वाला सिरा स्विचिंग के लिए रहेगा और ये वाला ग्राउंड रहेगा, और एक सिरा से आपका 9 वोल्ट निकलेगा और ये सिरा से आपका क्या निकलेगा, 18 वोल्ट निकलेगा। मैं आपको वहाँ पे थोड़ा सा लिख के बता रहा हूँ, आपको ध्यान देनी है इस बात को। ये देखिए, ये ट्रांसफार्मर का क्या हो गया, ए सिरा क्या हो गया आपका 18 वोल्ट के लिए हो गया, यानी ये सिरा 18 वोल्ट के लिए हो गया, और ए सिरा यानी ए पॉइंट 18 वोल्ट हो गया और ए पॉइंट 9 वोल्ट है, यानी ए जो पॉइंट है ये आपका 18 वोल्ट हो गया और एक पॉइंट कितना है 9 वोल्ट के लिए है। अब मेरा 2 पॉइंट का काम हो गया, एक पॉइंट ए, यानी मैं लिख के आपको बता रहा हूँ, ये मेरा क्या हो गया, पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया, ये नंबर तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया, राइट। तो क्या होगा, देखिए, वन से निकलेगा 9 वोल्ट और 3 से निकलेगा 18 वोल्ट और 2 से जाएगा स्विचिंग के लिए और 4 नंबर होगा ग्राउंड। ट्रांसफार्मर कितने रहते हैं, 4 पॉइंट रहते हैं, 1 से निकलेगा 9 वोल्ट, 3 से निकलेगा 18 वोल्ट और 2 नंबर रहेगा स्विचिंग के लिए, जो 300 वोल्ट उसमें सप्लाई जाएगी और आपका 4 नंबर रहेगा ग्राउंड। तो 9 वोल्ट सप्लाई, अब 18 वोल्ट सप्लाई सीधे आपका कहाँ जाएगा, 18 वोल्ट फैन के जैक में, यानी समझ लीजिए मेरा यहाँ पे लगा एक फैन का जैक, ये देखिए यहाँ पे लगा मेरा फैन का जैक, यहाँ पे प्लस सप्लाई डायरेक्ट आ गया। अब फैन क्या होता है, जैसे आप लगाते हो, लगाने का मतलब आप पीसीबी में, जो पीसीबी है पीसीबी के जेक में फैन लगाते हो, तो फैन लगाते साथ तो चलता नहीं है, उसको कंट्रोल करते हैं एक ट्रांजिस्टर, जो एक ट्रांजिस्टर यहाँ पे आप 80-50 ट्रांजिस्टर है उसका एक कंट्रोल करता है। क्या होता है, जब तक आप पैनल से सिग्नल नहीं दोगे ट्रांजिस्टर पे, क्या होगा, 1 के रेजिस्टेंस, जैसे इस आईसी में पिन नंबर 2 से सप्लाई निकलता है, 5 वोल्ट सप्लाई आएगा, फिर 1 के रेजिस्टेंस लग के थोड़ा सा सप्लाई क्या होगा वहाँ पे कम होगा, कम होने के बाद में यहाँ पे जो आपका ट्रांजिस्टर लग रहा था 80-50, तो वहाँ पे क्या होगा, सप्लाई आने के बाद में ट्रांजिस्टर के बेस पे यहाँ पे स्विचिंग करेगा, ट्रांजिस्टर स्विचिंग करने के बाद तब जाकर माइनस मिलेगा, तब आपका फैन क्या होगा, रनिंग होगा, राइट। यहाँ पे आपको समझना है, थोड़ी सी मेरे को लग रहा है मैं आपको अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूँ। ये देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ 18 वोल्ट निकल के आएगा जैक में, ये जैक हो गया प्लस का, और जो यहाँ पे ब्राउन कलर का आपको दिख रहा होगा निगेटिव हो गया और रेड कलर पॉजिटिव हो गया, तो डायरेक्ट आ गया 18 वोल्ट सप्लाई और यहाँ पे निगेटिव आपको मिल गया। तो ये क्या होता है कि जब तक आप ऑन नहीं करोगे पैनल को जब तक ऑन नहीं करोगे तब तक ये स्विचिंग नहीं करेगा ट्रांजिस्टर। ये आईसी नंबर पिन, यानी जो आपको आईसी देख रहे हो, पिन नंबर 2 से इसका सिग्नल निकलता है, 5 वोल्ट निकलेगा। आपको ये बात को समझना, अगर आपका फैन नहीं चलता है ट्रांजिस्टर भी सही है, तो पिन नंबर 2 से देखो 5 वोल्ट सप्लाई निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। 5 वोल्ट सप्लाई दोगे तो 1 के रेजिस्टेंस क्या करेगा, थोड़ा सप्लाई को वहाँ पे खाएगा, खाने के बाद में आगे थोड़ी सी पल्स देगा तो ट्रांजिस्टर क्या होगा, स्विचिंग का काम करेगा, राइट। तो इतना प्रोसेस होने के बाद में 18 वोल्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं 9 वोल्ट के पीछे पढ़ता हूँ, कहाँ पढ़ना हमको, 9 वोल्ट के पीछे पढ़ना है। 9 वोल्ट एक्चुअली काम क्या करते हैं, राइट, आपको समझना है। अब पहला नंबर सीधा से एक डायोड लगेगा,
यहाँ पे एक डायोड लगेगा, एसी सप्लाई यहाँ से निकले, एक डायोड लग के डीसी सप्लाई में कन्वर्ट होने के बाद में सप्लाई को फिल्टर करते हैं। जैसे क्या होता है, कहीं से भी सप्लाई निकलता है डायोड लग के बाद, वहाँ पे एक फिल्टर लगाते हैं कि सप्लाई को मेरे को अच्छे से फिल्टर करे, यानी कैपेसिटर लगाएंगे। कैपेसिटर 25 वोल्ट का रहता है, यहाँ पे 25 वोल्ट का कैपेसिटर देखिए रेड कलर का जो जाएगा प्लस सीधा है, और जो यहाँ पे मैं ग्राउंड का सिंबल बताऊँ माइनस है, निगेटिव है, तो सीधे प्लस जाएगा कहाँ पर जाएगा, 7805 के पहला नंबर पे, जो इंडक्शन के पीसीबी में छोटी सी ट्रांजिस्टर टाइप की, यानी देखिए इस टाइप की आपका आपको मिलेगा, ये 7805 है। इसमें एक बड़ी रूप आती है जो इसका यानी अपोजिट, यहाँ पे क्या होता है कि पहला इन रहता है और दूसरा आपका ग्राउंड रहेगा और तीसरा आउट रहता है, राइट। तो इसमें क्या होता है कि पहला नंबर आपका जो इसमें क्या होता है, पहला नंबर आउट रहता है इस 7805 में, इंडक्शन के पीसीबी में जो 7805 छोटी सी लगी रहती है, जस्ट उसकी अपोजिट यानी उल्टा रहता है, पहला नंबर आउट रहेगा, दूसरा आपका ग्राउंड रहेगा, तीसरा इन रहेगा। तो देखिए अब क्या होगा कि आपको मैं समझा रहा हूँ, पीसीबी को ये देखिए, अब ये 7805 लग गया, यहाँ पे पहला नंबर इन हो गया, मैं थोड़ा सा उल्टा बताया, और उसके बाद दूसरा आपका क्या हो गया, ग्राउंड हो गया, और तीसरा यहाँ से 5 वोल्ट निकलेगा। तीसरा 5 वोल्ट कहाँ निकल के जाएगा, आपका मेन जो आईसी लगी रहती है, यहाँ पे एक तो आईसी लगी रहती है, माइक्रो कंट्रोल आईसी लगी है, पिन नंबर कितने पे जाएगा, 10 पे जाएगा 5 वोल्ट, वहाँ पे 10 पे सप्लाई जाएगा, तब जाकर आपका आईसी क्या होगा, स्टैंड पे होगा, ऑन होगा। और उसके बाद में क्या होगा, जो आपका जैक दिखते हो, चार जैक लगी रहती है, देखिए यहाँ पे चार जैक लगी है यहाँ पे डिस्प्ले के लिए, पहला रहेगा आपका ग्राउंड, दूसरा रहेगा 5 वोल्ट, तीसरा रहेगा डाटा, और चौथा रहेगा क्लॉक। 5 वोल्ट यहाँ पे मिल गया तो आपका, और यहाँ पे डाटा मिल गया, क्लॉक मिल गया, और यहाँ पे ग्राउंड मिल गया, तो इसका मतलब पैनल आपका ऑन हो जाएगा, राइट। तो आपको आपको क्या होता है, जैसे क्या होता है SMPS, ये जो मेरा SMPS आपको इतना देख नज़र आ रहा है, SMPS ख़राब हो गया, क्या करोगे, अगर SMPS ख़राब हो गया, ये IC आपका शॉर्ट हो गई, IC नहीं मिल पा रही है मार्केट में, चाहे आप IC लगा रहे हो लेकिन काम नहीं कर पा रही है। इस PCB में आपको बता देता हूँ कि हमारे 80% मैकेनिक इस PCB में SMPS नहीं बना सकते, क्योंकि इस डिज़ाइन की PCB बहुत मुश्किल जाता है, अगर बना भी देंगे तो कंप्लेन आ जाएगा। तो उसके लिए मैं एक आपको आसान तरीका बता रहा हूँ, जो मॉड्यूल लगाऊंगा इस PCB में, उसमें क्या होगा कि मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि आपका IGBT शॉर्ट हो जाएगा 6 महीने बाद, साल भर बाद, लेकिन आपका जो मॉड्यूल लगाओगे इसमें ना कभी शॉर्ट नहीं होगा, कभी शॉर्ट भी नहीं होगा, और ना ही आपका IC क्या होगा, शॉर्ट होगा। तो इस PCB के अगर बना को दोगे तो, अगर मान लीजिए IC शॉर्ट हुआ तो ये वाला IC भी शॉर्ट हो जाता है, अधिकांश शॉर्ट होता है, यानी मेरे हिसाब से अगर जैसे क्या होता है कि IC शॉर्ट हो गया, 70% अगर IC शॉर्ट होता है तो 30% माइक्रो कंट्रोलर IC क्या होगा, आपका शॉर्ट हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में देना है और लिख के भी रखना है कि मैं आपको गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ। 30% IC क्या होता है, शॉर्ट हो जाता है। तो मैं जो मॉड्यूल लगाऊंगा वो मॉड्यूल तो बहुत कम खराब होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 2 साल से मॉड्यूल लगाऊँ, कम से कम 500 से 600 पीस लगा दिया हूँ, लेकिन 1-2 कंप्लेन आया मेरे पास, उससे ज़्यादा कंप्लेन नहीं आया। लेकिन मैं जहाँ भी क्या होता है कि SMPS तो बनाते हैं, जहाँ नहीं रिपेयर होता है यानी समझ लीजिए बहुत टाइमिंग लेता है, तो वहाँ पे हम सीधे मॉड्यूल को ठोक दो लाइक। तो अब क्या करोगे, जैसे यहाँ पे SMPS खराब हो गया, तो इसमें से कुछ कंपोनेंट क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। अगर बाहर नहीं निकालोगे तो आपका मॉड्यूल भी खराब हो जाएगा और मेन कंट्रोल पैनल जो है वो भी खराब हो जाएगा और ये वाला IC भी खराब हो जाएगा। तो कुछ कंपोनेंट को बाहर निकालना पड़ता है राइट। तो बाहर निकालने के बाद में कौन कौन से कंपोनेंट बाहर निकालना पड़ता है, मैं आपको ऑनलाइन में बताऊंगा कि मॉड्यूल कैसे लगाते हैं। अगर आपको पूरी जानकारी सीखना है तो मेरा कोर्स ज्वाइन करो और सीखो, क्योंकि अगर आपके पास इस PCB अगर बनने आता है तो इसमें 2 एरर तो जरूर परेशान कर जाए। सबसे पहले E9, मैं उसमें डाटा शीट में बताऊंगी कौन से पिन पे कितना वोल्ट नहीं आता है तो इरर E9 आता है, और कौन से IC नंबर पिन पे सप्लाई थोड़ा सा भी नहीं आता है तो E5 आता है। आपको अगर पूरी जानकारी सीखना है तो मेरा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करो जो 10 फरवरी से स्टार्ट हो गया है। मैं इस PCB के कम से कम 10 वीडियो देने वाला हूं, अभी मैं 2 वीडियो दे चुका हूं, 10 वीडियो मिलेगा, उसमें आप अगर E9 आता है E5 आता है तो आप उसको आसानी से रिपेयर कर सकते हो और मॉड्यूल आराम से लगा सकते हो। मॉड्यूल हर जगह मिलता है, अगर जिनको जिनको मॉड्यूल चाहिए मेरा नंबर है, उन पर फ़ोन कीजिए, मैं आपको मॉड्यूल जरूर उपलब्ध कराऊंगा। ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, सिर्फ 75 का है मॉड्यूल राइट। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही बता रहा हूँ, अगर मेरे पास टाइम भी रहेगा तो मैं Part 2 बना के आपको बताऊंगा कि मॉड्यूल को कैसे लगाएंगे। अगर आपको जल्दी जानकारी चाहिए तो मेरा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करो और उसमें आप बताया हूँ आसानी से राइट।